सुबह जी है एकता कपूर मैम देखी हमें और यहाँ पे आए थे मॉडल चंदन है गाइस। इतनी बड़ी लाइन मतलब कितने बेरोजगार हैं सर। अरे तो जिनका नाम 3 years एंड लास्ट 7 years से मैं राजकुमार राव के साथ एज ए स्टंटमैन एंड बुल डबल काम कर रहा हूँ। नहीं काफी ज्यादा समय रहेगा, कोई बात नहीं, जाना होगा चलना फिर आप करो चलना, नहीं समझ रहे हो चलना चल ऑडिशन में एंड ऑडिशन की अपडेट आई है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो हम जस्ट जल्दी से रेडी हुए और निकल रहे हैं ऑडिशन की तरफ एंड दिखाएंगे आपको किस टाइप से ऑडिशन होते हैं, क्या होती है और बताएंगे आपको कि ऑडिशन ये जेन्युइन था या नहीं था। तो क्योंकि जहाँ परसों गए थे ना ऑडिशन में वो ना जेन्युइन नहीं था बिल्कुल भी, तो ये देख के काफ़ी बेकार लगता है यार कि हम इतने मतलब जाते इतना दूर अपना टाइम वेस्ट करके अपना मनी वेस्ट करके बट वहाँ जाके पता चलता है कि जेन्युइन ही नहीं है। सो यही चीज़ें और दिखाते हैं आपको आगे की चीज़ें एंड जो भी चैनल पर आए प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। फाइनली पहुँच चुके हैं फेज 2 में आराम नगर के और यहाँ पे जा रहे गाइस। तो सीन क्या है कि अभी लोकेशन ढूंढनी है, जो लोकेशन लिखी है उस पर एंड फिर ऑडिशन देते हैं और आपको जाना गाइस सीधे नवी कौन सा बंगला है क्रिएटिव अड्डा 191। तो तेरे को क्या लगता है कि ऑडिशन कैसा होने वाला है? वो बताएंगे ना। अच्छा गुड, मतलब सही है। इस बंदे की अपनी कोई राय नहीं है पहले से, तो ये अच्छी चीज होती है, पहले से अपना कुछ भी मत बनाओ यार कि ये अच्छा या बेकार या क्यों है। मानसू आप तो अपने आप को बेस्ट बोलेंगे ही, वो बताएंगे। हाँ पर काश तो होता भी, पर ठीक है वो तेरी सोच है तेरा नजरिया है। ये सारे के सारे एक्टर्स ही हैं, देखो सब ऑडिशन दे के आ रहे हैं और हम जा रहे थे ऑडिशन देने के लिए और यहाँ के ये आराम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आराम है कसम से, छाया छाया मिलेगी जहाँ भी जा रहे हैं ना, पेड़ 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 पौधे बहुत है। तो गाइस ये है क्रिएटिव अड्डा में ऑडिशन और यहाँ पे इतने सारे लोग गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी यहाँ पे ना, देखते नंबर आता है या नहीं आता है। इतनी लाइन है यहाँ पे, इतनी भीड़ बीच है। सो गाइस देखिए इतनी सारी भीड़ आ चुकी है यहाँ पे, बड़े से बड़े लोग भी आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे बैठने का भी है बट सबको लाइन लगानी है तो सब जा रहे हैं आगे। ये क्या है यार इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, और भीड़ ना आ ही जा रही है गाइस। हम यहाँ से ऊपर आ गए इतने ऊपर, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे बेरोजगार एक्टर्स हैं जो ऑडिशन के लिए आ गए और सब लोग बहुत देर और इनका टाइम पास हो रहा है। क्रिकेट मैच देख के टेंशन नहीं है, टाइम पास हो रहा है। एक
मैं तो लेता हूँ ऑडिशन यार। अच्छा ये यहाँ पे बैठ गए, इतने सारे लोग आ रखे ऑडिशन देने के लिए और लोग आ ही रहे अभी भी लगातार। एक्सक्यूज मी, सो गाइस देखिए इतनी बड़ी लाइन है ऑडिशन के लिए, बहुत बड़ी लाइन है। एंड ऑडिशन मैं ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा पता नहीं, वो लोग सिर्फ नेम पूछ रहे हैं एंड उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस। मतलब यार ऑडिशन नहीं होता है नेम यार, थोड़ा मतलब पता तो चले, सिर्फ नाम बोल रहा है बंदा, हाई माई नेम इज़ दिस और वर्क एक्सपीरियंस, उसमें भी दो तीन चीज़ें बता रहे लोग, मैंने तो पूरा बताया अपना, तो इसमें लोगों को क्या ही पता चल जाएगा अपने बारे में यार। बट देखते हैं, अगर उनकी थीम है तो उसको सेलेक्ट करेंगे इस हिसाब से। मेरे दोस्त लोग अंदर ही हैं और मैं तो आ गया ऑडिशन लेके, क्योंकि किस्मत सही रहती है हर चीज़ में, लाइन में ज़्यादा खड़ा होने नहीं पड़ता है से। तो अब चलेंगे कहीं दूसरे को ऑडिशन देने या कुछ और करने के लिए। वैसे मिलता हूँ और सारे के सारे गाड़ी जो भी हैं अच्छी हैं सारे गाड़ी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वहाँ से अंदर को जो पुलिस वाली गाड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पे वेदर स्टूडियो, तो यहाँ पे क्या हुआ पुलिस आ गई क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो गई थी गाइस, कुछ ना क्योंकि लाइन लगी थी वेदर में, तो ये सारे एक्टर्स जो हैं ये वेट ही कर रहे हैं, ये इधर उधर से निकल रहे हैं, बट ये ऑडिशन बंद कर दिया मैंने, कुछ एक्टर्स हैं गाइस वही है। अब ऑडिशन कैसे देंगे हम, आई डोंट थिंक हम दे पाएंगे क्योंकि सब लोग मतलब पुलिस आ गई तो बंद कर दिया ऑडिशन। किधर चलना नहीं समझ रहे हो, चलना चल भाई, इतना बुरा हो रहा है एक्टर्स के साथ यार, उसको डंडे मार के ले गए लोग, दैट्स वेरी बैड। अभी पुलिस वैन मतलब पुलिस की गाड़ी में डाल दिया उसे, चले जा रहे हैं बेफालतू के डंडे मारे थे, पर वो मान नहीं रहा था भाई, बहुत टाइम से बोल रहे थे चले गए चले जा, क्योंकि ऑडिशन बंद कर दी है, रीज़न मेरे को पता नहीं चला, ना मैंने पूछा कहीं एक आध डंडे मेरे पड़ जाते हैं इसलिए मैंने पूछा नहीं। बाकी सारे के सारे एक्टर्स आ रहे हैं गाइस, ये देख सकते आप, बट क्या कर सकते हैं, अब जा रहे हैं घर की तरफ। और बुरा भी लगा यार बेचारा आया होगा वो करने के लिए, क्या इतने दूर से टाइम और अपना मनी खर्च करके और उसे मिला गया थप्पड़, बेफालतू में थप्पड़ मार दिया उसे और डंडे डंडे अलग से तेज बने यार, एक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने रीजन बताया मुझे पुलिस वालों ने कि भाई क्यों मारा गाइस, इतनी बड़ी लाइन मतलब इतने बेरोजगार एक्टर, अरे तो जिनका नाम अनिल कपूर है सी 34 का, वो एक मिनट ले रहे 30 60 हो गया मेरा तो यार, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, खुद लानी पड़ती है, छीननी पड़ती है, उससे पहले मैंने छीनी थी। पर एक 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 फायदा हुआ, एक फायदा हुआ इस चीज़ का, ऊपर से ना ये देख कितने लोग पड़े हैं। तो कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस, जेन्युइन बताइयो। अच्छा था यार, अच्छे से लिया सब कुछ, अच्छा था, बट कोई फेक नहीं था, I don't think it's fake. कुछ चीज़ें अभी तुझे सीखनी पड़ेगी, जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेरे को लगी लाइक ओनली नेम एंड एक्सपीरियंस, इतने में क्या बता देगा कोई किसी के बारे में, अब जैसे समझ रहे ना पूरी प्रोफाइल दी हमने,
वो सबने बताया ब्रो, तू बहुत पीछे है, तेरे से बात ही नहीं कर रहा मैं, उससे बात कर रहा हूँ। हिमांशु बताओ इसे यार, चिढ़ता क्यों हमसे? चिढ़ अबे तू ही रहेगा चिढ़ने के लिए। गाइस देख लो इसे और अपने आपको, कहाँ जाना भी बताओ। अब घर चलना है भाई, वहाँ पे लट पट रहा है, अभी दिखाऊंगा कंटेंट मिला मुझे। किसको? एक बंदे को, पुलिस आई। हाँ। पुलिस ने भयंकर पहले से बोला हट जा, क्यों मारा पर? और लट मारी फिर। अबे पुलिस भाई हमारी सेफ्टी के लिए, दूसरा वाला ऑडिशन में वैदा, वैदा वीडियो, वैदा स्टूडियो में। अबे वहाँ पे कोई नहीं है, भीड़ ही खाली होगी पूरी। अरे है ही नहीं, क्या जाना वहाँ खाली, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं था वहाँ पे। अभी कहाँ घर जाना है? घर चलते हैं, बीच पे चलते ग्राउंड। ये जगह और बोला था यार ऑडिशन में, ऐसे कोई फायदा नहीं। और सो गाइस यहां पे एकता कपूर मैम, हम ज्यादा दिखा नहीं पाएंगे आपको। सो गाइस ये है एकता कपूर मैम, देखिए मैं और यहां पे आए थे ऑडिशन देने। सो गाइस ये जो कार है ये एकता मैम की है, और थोड़ी देर पहले हमें दिखी थी, बट हम इनके सामने ऐसे नहीं गए कि यार कुछ मतलब, हमें मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमें टैलेंट से चाहिए। एंड चापलूसी करना या चेप होना ये या किसी की टाटना क्यों करना चाहिए? अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा ना तो तुम पहुँच जाओगे इस वहाँ पे। तो वही चीज़ है, हमें देखिए जस्ट मैंने वीडियो एक ऐसे करके ले जाऊँगा ताकि दिख जाए कि हमें मिलती रहती है इसके साथ, बट हम जाते नहीं उनके पास, क्योंकि वो कितना कर देंगे यार अगर कोई तुम्हें उठा भी रहना एक वर्क में दो वर्क में। अब तुमने प्रूफ नहीं किया ना अपने आपको, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। जिम तो है बट ये तो सब मिलता है।